हेलो गाइस, तो एक एजुकेशनल के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को फोर्स के फॉर्मूले का डेरिवेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कॉपी के किसी पेज को फाड़े शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका डेरिवेशन होता है मोशन के सेकेंड लॉ से। जो मोशन का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिखा है, जरा पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए, अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर पहले फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर मास इनटू वेलोसिटी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो अपॉन टाइम। देखिए, अब यहां पर दोनों में मास कॉमन है, तो मास को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो बाहर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा मास इनटू वी माइनस यू अपॉन टी। और ये वी माइनस यू अपॉन टी क्या है? ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इसको हम लोग जब बाहर लेंगे तो एक आएगा कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1। तो इसी वजह से हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये यह हमारा प्रूव होता है। होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया। अगर वीडियो में मज़ा आया तो यहाँ वहाँ पर एक सब्सक्राइब कर लावा के रंग का दिख रहा होगा, उसको ग्रेफाइट के रंग का कर दीजिए।